लगातार आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, जो हमें बता रहे हैं कि 2014 में आपका साल कैसा रहेगा। वार्षिक फल आज आचार्य जी हमें बता रहे हैं, उसके साथ ही साथ कई छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे अपने साल का और भी बेहतर उपयोग कर सकते हैं और भी शुभ साल को बनाया जा सकता है। इसके अलावा राशि मंत्र और साथ ही साथ लाल किताब का चमत्कारी उपाय आज आचार्य जी हमें बता रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम को जारी रखेंगे और अब बात करेंगे तुला राशि की, जानेंगे उनका आने वाला साल कैसा रहेगा। जी बिल्कुल, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष शनि की साढ़े साती की तीसरी ढैया लेकर के आएगा। ये तीसरी ढैया वाला वर्ष रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष मिश्रित फल वाला रहेगा। सुख दुख के साथ पूर्वार्ध में अपमान, अपयश, रोग, आर्थिक क्षति, जीवन में संघर्ष, व्यापार में संघर्ष की स्थिति और उसके साथ साथ कर्ज ऋण की स्थिति, खर्च का अनायास बढ़ना और हर काम में कहीं ना कहीं संकट विषमता की स्थिति पैदा करने वाला यह वर्ष रहने वाला है। स्वास्थ्य की तकलीफ भी हो सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखना आपके लिए ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि काफ़ी निराशा में ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ सकती है जब आप स्वयं अपनी तरफ से कुछ गलत व्यवहार कर जाएं और आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाए। राजनीतिक लोगों को बहुत सोच समझ करके राजनीतिक कदम उठाने चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में इस समय में कुछ आपके कदम जो हैं वो गलत भी हो सकते हैं। राजनीतिक निर्णय जो हैं वो आपके लिए गलत भी हो सकते हैं, तो बहुत सोच समझ करके निर्णय करें। और इस समय में आपको अपने शत्रुओं का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन जून के बाद से यानी वर्ष के मध्य से सुख शांति में आपको मिलने लगेगी। कार्यों में उन्नति से आपका मन जो है वो उत्साहित रहेगा, उत्साह में वृद्धि होगी। गृहस्थ जीवन में सुख एवं उन्नति के रास्ते धीरे धीरे प्रशस्त होने लगेंगे। संतोष की भावना, संकल्प शक्ति मजबूत होगी। विद्यार्थी वर्ग को यानी स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कुछ बाधा जरूर आएगी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में भगवान श्री गणेश और माँ सरस्वती जी की आराधना यदि की जाए तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग को। व्यापारी वर्ग सुखी रहेगा। कृषि में मध्यम लाभ मिलेगा। होटल, पर्यटन यानी टूरिज्म से जुड़े हुए, कपड़ों के उद्योग से, व्यापार से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। नौकरी वालों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जो डॉक्टर और इंजीनियर हैं उनके लिए ये जो वर्ष रहने वाला है ये बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो आइए जानते हैं तुला राशि वाले जातक लोगों को कौन कौन से उपाय करने से 2014 में लाभ मिलेगा। सबसे पहला उपाय यह है कि तुला राशि वाले जातक लोगों को चांदी के बर्तन में केसर को घोल करके माथे पर तिलक लगाना आरंभ कर देना चाहिए। ये आप जो है नए साल के आरंभ से ही ये उपाय, ये प्रयोग शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने से सुख शांति, समृद्धि और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। यह प्रयोग रविवार के दिन से यदि आरंभ करें तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है और उसके बाद आप जब से आरंभ करते हैं कम से कम 90 दिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए, यानी 3 महीने इस उपाय को करते हैं तो इसकी जो एक शुभ ऊर्जा है, इसका जो एक शुभत्व है, जो एक ऑरा है वो आपके इर्द गिर्द बन जाएगा और पूरे साल आप उस ऑरा का, उस ऊर्जा का लाभ ले सकते हैं। इस वर्ष में शनि के जाप एवं गुरु ग्रह बृहस्पति की आराधना करने से, शनि और बृहस्पति का जाप करा करके इनसे संबंधित दान करते रहने से आपको लाभ मिलता रहेगा। उसके साथ साथ आप अपनी राशि से संबंधित राशि मंत्र का भी यदि जाप करते हैं पूरे साल तो भी आपके लिए शुभ है। आपका राशि मंत्र है ओम एं क्लीं श्रीं। इस मंत्र का 108 बार नियमित तौर पर आपको जाप करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि लाल किताब से संबंधित चमत्कारी उपाय आपके लिए विशेष कौन से हैं। आपको करना यह है कि घी, आलू और मक्खन, ये 3 चीजें, 3 पदार्थ किसी मंदिर में, देवस्थान में आपको दान करना है। खास तौर पर वह मंदिर भगवान विष्णु या फिर भगवान शिव का हो तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आप अपने घर की नींव में या फिर घर की नींव के आसपास चांदी के छोटे से डिब्बे में, थोड़े से शहद को डाल करके घर की नींव में, यदि संभव हो जाता है तो नींव में या नींव के आसपास कहीं यदि आप खोद करके मिट्टी में दबा देते हैं तो ये जो शहद आपने चांदी के पात्र में दबाया ये आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर आने वाली किसी भी बड़ी बाधा को, अशुभता को रोक के रखेगा। आपके घर में आपके ऊपर प्रभाव उसका नहीं रहेगा और आपका ये नया वर्ष 2014 जो है बहुत ही सर्वोत्तम बन जाएगा। और चलिए अब आचार्य जी से हम जानेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए उनका आने वाला साल कैसा रहेगा और क्या कुछ उपाय कर साल की शुभता को और भी बढ़ाया जा सकता है। आचार्य जी जी बिल्कुल,
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष शनि की दूसरी साढ़े साथी और दूसरी ढैया से परिपूर्ण रहने वाला समय ये दूसरी ढैया लेकर के आएगा। ऐसे समय में शुभाशुभ मिश्रित फल वाला ये वर्ष रहेगा। इस समय में इस वर्ष में आपको मानसिक तनाव, सिर में कोई चोट लग जाए, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसमें सिर में चोट लगे, ऐसे भी संकेत दिखाई देते हैं। बड़ा आर्थिक नुकसान व चिड़चिड़ापन लेकर के आएगा, उसके साथ अनेक उथल पुथल और भूचाल के बावजूद भी आपको सफलता मिलने वाली स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं शनि की साढ़े साथी या शनि की ढैया का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा अशुभ होता है, विशेष तौर पर वृश्चिक राशि के लिए, क्योंकि वह मंगल से संबंधित राशि है। ऐसे में निश्चित तौर पे उसके दुष्प्रभाव आपको झेलने पड़ेंगे। उसके बावजूद भी परिस्थितियां आपके लिए विकास की बनी है, इतने समस्या इतनी बाधा झेलने के बावजूद भी आपको सफलता प्राप्त होगी। इस वर्ष में महत्वाकांक्षा को त्याग करके अपने समय के अनुसार फल पाकर के आपको संतोष करना चाहिए। जितना आपको जो प्राप्त हो जाए उसमें आप संतुष्ट हों। असमय अपवाद और वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है और ऐसे वाद विवाद से, बिना मतलब के झगड़ों से, विवादों से आपको दूर रहना चाहिए। सामाजिक रूप से कोई झूठा आरोप, कलंक तथा दोषारोपण की स्थिति भी आपके लिए आ सकती है, किंतु अंत में विजय आपकी ही होनी है, क्योंकि आप अपनी जगह पर सच हैं, अडिग हैं, साफ सुथरे हैं। तो आपके ऊपर आरोप जरूर लगाया जाएगा, लेकिन आप उससे ससम्मान बरी होंगे। आपके सामाजिक मान सम्मान, यश पर कहीं ना कहीं से आंच की स्थिति बनेगी, लेकिन आपका कुछ अहित नहीं होगा, ये आंच आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। अंत तो गत्वा विजय आपकी होनी है, मान आपका ही सबसे ऊपर रहेगा। ऐसे में शुभ और मांगलिक कार्यों में खर्च भी हो सकता है, कर्ज की स्थिति से बचना चाहिए। इस समय में आपको प्रयास ये करना चाहिए कि कम से कम कर्जा आपको लेना पड़े। जितना कम से कम ऋण लेंगे उतने आप सुरक्षित रहेंगे, उतना ज्यादा पैसे का दबाव आपके ऊपर नहीं बन पाएगा। झगड़े की स्थिति के भी योग बनते हैं, किसी वाद विवाद से बचना चाहिए। रक्त से संबंधित समस्या, स्नायु तंत्र यानी नसों से, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, उदर कष्ट यानी पेट से संबंधित तकलीफें आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और साल के मध्य से यानी जून से अपने पराए सभी से आपके असहयोग, वाद विवाद, मतभेद के कारण दूरी बन सकती है, तो अपने स्वभाव को भी आपको थोड़ा सा सौम्य रखने का प्रयास करना होगा। विद्यार्थी वर्ग को इस समय में बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे, विशेष प्रयास करके अपनी पढ़ाई में लगना होगा। व्यापारी वर्ग को मध्यम लाभ मिल सकता है, कृषक को विशेष लाभ मिलेगा, जो खेती किसानी करेगा, जो जितनी मेहनत करेगा शनिदेव उनकी मेहनत के अनुसार उनको फल देंगे, क्योंकि शनि जो है वह न्याय के देवता है। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना आपका हक और अधिकार है उसको देने में शनिदेव कभी भी आगे पीछे नहीं करते, कभी भी दूसरा विचार नहीं रखते। राजनीतिक व्यक्ति अपमानित हो सकते हैं, उनके लिए अपमान की स्थिति आएगी। नौकरी वालों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा ठीक ठाक रहने वाला है। इस समय में आपको जो लाभ मिलना चाहिए था वो आपको अवश्य मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को कौन से उपाय करना आपके लिए 2014 को शुभत्व दे सकता है, शुभ बना सकता है। आपको करना यह है कि हल्दी की 7 साबुत गांठें, 7 गुड़ की डलियां, 1 रुपए का सिक्का किसी पीले कपड़े में रख करके गुरुवार को के दिन आपको पीले कपड़े में बांध करके विष्णु और लक्ष्मी जी के चरणों में रख करके आए, विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के ये उपाय करके आइए। रखते समय अपनी जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो आप देवता के समक्ष, देवी देवता के समक्ष एक बार बोल दें, हर इच्छा पूर्ण होगी और ये आने वाला साल जो है आपके लिए सफलता से परिपूर्ण होगा, खूब सफलता आपको मिलेगी। ये उपाय बहुत ही माना उपाय है। तो जितनी भी अशुभता पूरे साल में अभी तक मैंने आपको बताई, इस एक छोटे से उपाय से आप उस सारी अशुभता को दूर कर सकते हैं। अब आप साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि आपकी राशि का मंत्र कौन सा है जिसका आपको जाप करना है पूरे साल भर। आपकी राशि का मंत्र है ओम एं क्लीं सौ। इस मंत्र का जाप करने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अब मैं आपको एक छोटा सा लाल किताब का चमत्कारी उपाय बताता हूँ, इसको कर लीजिए, सारी चिंताओं, सारी बाधाओं से आप सुरक्षित रहेंगे। आपको करना यह है कि मिट्टी के बर्तन में शहद व सिंदूर अलग अलग भर करके घर के पूजा स्थान में रखें, फिर 11 दिन बाद इन दोनों अलग अलग मिट्टी के बर्तनों को जल में प्रवाहित कर दें। मंगलवार के दिन तंदूर में लगी मीठी रोटी किसी गरीब व्यक्ति को दान करते हैं, उसको आप भरपेट भोजन कराते हैं, विशेष तौर पर भोजन में मीठी रोटियां रखते हैं जो तंदूर में बनी हो, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए आने वाला साल 2014 क्या कुछ ला रहा है खास, और क्या कुछ उपाय करके वो अपने साल की शुभत्व को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष मध्यम फल वाला रहने वाला है। विपरीत विचार आएंगे यानी नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा होंगी, विसंगतियां, पदता और उसके साथ साथ आर्थिक कष्ट, भय वाला समय रहेगा ये। न्यायिक उलझने एवं झगड़े वाद विवाद से आपको बचना होगा। शांति व धैर्य रख करके आपको हर कार्य करना चाहिए। तीर्थाटन से अचानक लाभ, आत्मिक सुख एवं आत्मबल बढ़ेगा। नई योजना, भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुख सुविधा के लिए अतिव्यय या कर्ज की स्थिति बन सकती है। बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में किया गया कोई भी बड़ा निवेश आर्थिक बदहाली का कारण बन सकता है। संतान पक्ष से आपको चिंता मिलेगी। अगस्त के बाद से घर में मांगलिक कार्य संपादित होने के योग बनते हैं। नौकरी में पदोन्नति एवं व्यापार में भी धीरे धीरे संतोषजनक परिस्थितियां आने लगेंगी। सांसारिक वृत्तियों पर अंकुश लगा करके निम्न कोटि के विचारों से बचें और उसके साथ साथ पारिवारिक सदस्यों और उनके स्वास्थ्य, उनकी गतिविधियों, क्रियाकलापों पर थोड़ा सा ध्यान रखें तो आपके हित में होगा। घर गृहस्थी के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको और अधिक सुख मिल सकता है परिवार का। विद्यार्थी वर्ग को बहुत ही संभल करके काम करना चाहिए। इस समय में जितनी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे आपको फायदा मिलेगा। राजनेता जो लगातार राजनीतिक सफलता हेतु प्रयास कर रहे थे उनको सफलता मिल सकती है। कृषक को भी एक अच्छा लाभ मिलेगा। खेती किसानी बहुत अच्छी चलने वाली है। तो ये तो बात रही आपके राशिफल की, आइए जानते हैं धनु राशि वाले जातक लोगों को उपाय कौन कौन से करने चाहिए। आपको सबसे अच्छा उपाय ये करना चाहिए कि 1.25 मीटर पीले कपड़े में 2 किलो चने की दाल को बांध करके लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में आप अर्पित करके आए। ऐसा 5 गुरुवार की शाम को करते हैं तो खूब सफलता प्राप्त होगी। इस वर्ष में गुरु यानी बृहस्पति के साथ साथ राहु केतु के जाप एवं पूजन दान करने से भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो अब आपको मैं बताता हूं कि कौन सा है आपका राशि के अनुसार विशेष मंत्र। आपकी राशि के अनुसार ओम रिंग क्लिंग सौ इस मंत्र का जाप करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अब जान लेते हैं लाल किताब का चमत्कारी उपाय क्या कहता है आपके लिए। आपके लिए गंगा जल का सेवन नित्य करना कुछ समय तक आपको बहुत अच्छा लाभ देगा और उसके साथ साथ हरिवंश पुराण का पाठ स्वयं करना चाहिए। अगर स्वयं करने में असुविधा है तो किसी आचार्य को बुला करके अपने घर में यदि आप वर्ष के आरंभ में हरिवंश पुराण का पाठ करवा लेते हैं तो साल आपके लिए शुभ बन जाएगा। और फिलहाल कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द हाजिर होंगे और आचार्य जी से जानेंगे आगे का राशिफल और साथ ही साथ विशेष उपाय और लाल किताब का चमत्कारी उपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले साल में उनके सितारे मकर राशि के लिए क्या कुछ ला रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष श्रेष्ठ विचार, कर्तव्य परायण युक्त सफलता वाला रहने वाला है। आप अपनी पारिवारिक, व्यापारिक, सामाजिक हर प्रकार की यानी सभी जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वहन कर सकेंगे। कर्म क्षेत्र, घर परिवार, ग्राम, राज्य सभी जगह से मान सम्मान मिलेगा एवं तरह तरह की ख्याति आपको प्राप्त होगी। भौतिक सुख और साधन बढ़ने से मन में शांति आपको मिलेगी यानी आत्मिक शांति की प्राप्ति होगी। आपके माध्यम से कोई विशेष बड़ी योजना प्रारंभ होने के योग बनते हैं इस नए साल में। सुख शांति के साथ साथ पुत्र रत्न प्राप्ति के, संतान प्राप्ति के योग भी हैं। निसंतान दंपतियों के लिए भी संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। इतना सब कुछ होते हुए भी एक योग ऐसा है कि कुछ समय के लिए आपको अपने कुटुंब से यानी परिवार से विग्रह की स्थिति, विरह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। परिवार से कहीं दूर जाकर के रहना पड़ सकता है कुछ समय के लिए और उसके साथ साथ लोभ वृत्ति छोड़ करके समझदारी से काम लेना होगा यानी लालच में पड़ने की बजाय सूझबूझ से जो सही तरीके से पैसा कमाने का माध्यम है उसकी तरफ ध्यान दें तो आपको समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी ज्यादा मिलेगी। इस साल में मई माह से अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि में वृद्धि हो सकती है जिससे परिवार, समाज से विरक्ति का भाव भी मन में आएगा। अतः गृहस्थ रहते हुए जितनी धार्मिकता आवश्यक है उतनी ही धार्मिकता करनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं करना है यानी आप पूजा पाठ में इतना भी इन्वॉल्व धार्मिकता में ना हो जाएं कि आप अपनी जो पारिवारिक जिम्मेदारी है, परिवार को जो आपको जीवन यापन कराना है आप उससे मुंह मोड़ लें, ऐसा मत करिए। जवाबदारी वाले काम आपके सामने आएंगे। विद्यार्थी वर्ग को विशेष प्रयास करने पर ही सफलता मिलेगी।
कृषक व्यापारी एवं राजनेता लाभ और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, नौकरी में अनुकूलता बनी रहेगी। तो ये तो रहा आपकी राशि का फल। अब जानते हैं कि इस वर्ष 2014 को शुभ बनाने के लिए आपको उपाय कौन कौन से करने चाहिए। सबसे पहला उपाय यह है कि किसी झगड़े वाद विवाद पैसों के नुकसान कोर्ट केस से बचने के लिए और नौकरी व्यापार इन सभी चीजों में लाभ पाने के लिए तरक्की पाने के लिए 1.25 किलो गुड़ जमीन में कहीं किसी ऐसी जगह जो खाली सुनसान जमीन हो वहां गड्ढा खोद करके आप दबा दें, ऐसा 3 मंगलवार करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वर्ष में नवग्रह के जाप और पूजन कर लेने से आपके लिए विशेष सफलता की स्थिति जन्म लेगी। आपकी राशि के लिए जो मंत्र है वो है ओम एं क्लीं श्रीं। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। लाल किताब का चमत्कारी उपाय आपके लिए क्या कहता है, आइए ये भी जान लेते हैं। बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं, केले खिलाएं तो आपको लाभ मिलेगा। घर के आसपास किसी कुएं में थोड़ा सा कच्चा दूध डालना सोमवार या शुक्रवार के दिन आपके लिए बहुत ज्यादा शुभदायी होगा। ये उपाय आप सोमवार और शुक्रवार मिलाकर के कुल 5 बार करिए, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और चलिए अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2014। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष सुख समृद्धि के साथ साथ उन्नति से परिपूर्ण रहने वाला समय है। भौतिक सुख के साधन मिलेंगे, वाहन भवन के लिए कुछ खर्च हो सकता है। जनता से सम्मान वाला समय रहेगा, परंतु परिवार में भाई बंधु के साथ वाद विवाद मतभेद के योग बनेंगे। स्वाभिमान की अति जो है वो आपकी जिद हठ धर्मिता को त्यागने पर अच्छी उन्नति का कारक बन सकती है, उसका कारण बन सकती है। बड़ा शुभ कार्य आपके द्वारा होने के ऐसे योग बनते हैं, जो काम काफी समय से रुका था वह कार्य पूरा हो जाए और उस कार्य के पूरा होने से राज्य से सम्मान के प्राप्ति के योग बनते हैं। भय को त्याग करके काम करना चाहिए। वर्ष के मध्य से संतान सुख मिलने लगेगा, कार्यशीलता में वृद्धि होगी एवं आपका प्रताप बढ़ेगा, आपका पराक्रम जो है, आपका प्रभाव जो है समाज में बढ़ेगा, परिवार से सुख शांति की स्थिति बनेगी। तीर्थ यात्रा के योग भी इस वर्ष में 2014 में आपके लिए बनते हैं। कुछ लोग आपके घनिष्ठ संबंधों में मतभेद पैदा कर आपको अपने ही लोगों से लड़ा करके आपको धोखा देना चाहते हैं और आपके उस विवाद से अपना बहुत बड़ा लाभ निकालना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना चाहिए। क्रोध और उत्तेजना से आप अपना स्वयं का बनता हुआ काम भी खराब कर सकते हैं, तो अपने क्रोध को आपको नियंत्रित करना है। खास तौर पर अपने वर्क प्लेस में, अपने व्यापारिक क्षेत्रों में आप अपने गुस्से को, अपने क्रोध और उत्तेजना को आप नियंत्रित रखिए। विद्यार्थी वर्ग, कृषक यानी किसान, व्यापारी वर्ग, नेतागण सभी के लिए यह वर्ष जो है बहुत उत्तम रहने वाला है। आइए अब जानते हैं कुंभ राशि वाले जातक लोगों को उपाय कौन कौन से करना चाहिए जिससे 2014 आपके लिए और ज्यादा लाभकारी हो जाए। आपको करना यह है कि शिवलिंग पर रुद्र पाठ करते हुए गंगा जल या दही के साथ काले तिल मिलाकर के आप भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इस वर्ष गुरु केतु की आराधना भी आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। आइए अब जानते हैं आपका राशि मंत्र कौन सा है। ओम एं क्लीं श्रीं। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि लाल किताब के चमत्कारी उपाय कौन कौन से आपको करने चाहिए। आपको करना यह है कि रविवार, मंगलवार या शनिवार को भैरव मंदिर में जाएं और भैरव मंदिर में भगवान श्री भैरव को मदिरा चढ़ाएं। चांदी का चौकोर एक टुकड़ा जो है, 4 ग्राम चांदी का चौकोर टुकड़ा आप अपने गले में धारण कर सकते हैं लाल धागे में, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लाल या काले धागे में अपने गले में पहन लीजिए। इसको पहनने के लिए सोमवार का दिन आपके लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है। ये कुछ ऐसे सरल से उपाय हैं जिससे कुंभ राशि वाले जातक लोग इस वर्ष 2014 को अपने पक्ष में बना करके अपने लिए अपार सफलता अर्जित कर सकते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष शुभ अशुभ अर्थात मिश्रित फलों से परिपूर्ण रहने वाला है। काफी हद तक आप पिछले वर्ष की क्षति को पूर्ति कर सकेंगे, जो नुकसान हुआ था उसकी आप भरपाई कर सकेंगे, लेकिन भरपाई करने के बावजूद भी मन से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। जैसा आप लाभ चाहते थे उतना लाभ नहीं हो पाएगा। अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर के कार्य करेंगे तो लाभ मिलेगा, क्योंकि परिवार में भाई बंधु के साथ असहयोग और क्लेश की वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। ऐसे में कोई बड़ा बुजुर्ग आपका साथ दे, आपका मार्गदर्शन करे तो आपके हित में होगा। धर्म एवं पुण्य कर्म से मन को शांति
मिलेगी। नेत्र रोग यानी आपको आंखों से जुड़ी हुई कोई रोग, कोई समस्या परेशान कर सकता है। मधुमेह अर्थात ब्लड प्रेशर, क्षमा करें डायबिटीज जैसे रोग जो हैं आपको तकलीफ का एक बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं इस समय में। अपने बाहुबल के कारण महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। ध्यान से कार्य करना चाहिए। निकृष्ट तथा निम्न कर्म वाले लोगों के संपर्क में आने से रोग पीड़ा होने के योग बनते हैं। कुछ लोग आपको गलत सलाह देकर के भ्रमित करने का प्रयास करेंगे जिससे आप गलती करें और वह आपसे आपकी इस बड़ी गलती से कोई बहुत बड़ा लाभ ले सके। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, इनसे बचना है। संयम से आगे जीवन को बढ़ाएं। मित्र से सामान्य सहयोग मिलेगा। आपको शनि की अशुभता का सामना भी करना पड़ेगा जिससे कोर्ट के शादी का भय भी बना रहेगा। आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक क्लेश की स्थिति भी, किसी भी प्रकार की तकलीफ आपके सामने आ सकती है। लेकिन सितंबर से मांगलिक कार्य एवं तीर्थ पर कुछ यात्रा हो सकती है। तीर्थ पर कुछ खर्च करने के योग बनेंगे। मनोवांछित फल प्राप्ति का समय आ चुका होगा। विद्यार्थी वर्ग को सफलता के लिए अधिक मेहनत और परिश्रम करनी पड़ सकती है। कृषक, व्यापारी, राजनेता सभी के लिए मध्यम फल वाला ये वर्ष रहेगा। नौकरी वालों के लिए सामान्य रहने वाला ये साल रहेगा 2014। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन से उपाय करके आप ये सामान्य रहने वाले साल को मीन राशि के जातक लोग सफलता का साल बना सकते हैं। छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताता हूं। पूरे वर्ष भर आर्थिक क्षति, दुर्घटना, बीमारी और कोई बड़े ऑपरेशन, सर्जरी जैसे भय से परिवार और खुद की सुरक्षा के लिए आपको एक बहुत छोटा सा उपाय करना है। तांबे के बर्तन में गुड़ जो है वो हनुमान जी के मंदिर में दान करना चाहिए। और अगर आप सरसों के तेल का दिया भी हनुमान जी के समक्ष जलाते हैं और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप अपना और अपने परिवार का काफी हद तक बचाव कर सकते हैं। ये प्रयोग आपको 4 मंगलवार की रात में करना चाहिए। और इस पूरे वर्ष में 2014 में हनुमान जी की पूजा अर्चना, उपासना आपके लिए विशेष लाभदायक रहने वाली है। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके लिए जो राशि मंत्र है वो है ओम ह्रीं क्लीं सौ। इस मंत्र का जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। 108 बार जाप आपको इसको हर दिन करना है। और अब छोटा सा लाल किताब का चमत्कारी उपाय मैं आपको बताता हूँ। आप जो बनियान पहनते हैं, जो सैंडो बनियान अंदर पहनते हैं, उसमें लाल रंग के धागे से यदि स्वास्तिक बना लिया जाए या फिर लाल रंग का एक छोटा सा स्वास्तिक आप हमेशा अपने साथ रख करके चलें, यानी सीधा सा मतलब ये कि स्वास्तिक से किसी न किसी प्रकार से आपका जुड़ाव लगातार बना रहे, ये आपके लिए शुभता लाएगा। जितनी भी अशुभता है, जो भी निगेटिविटी है, उसको दूर करेगा। उसके साथ साथ शिव मंदिर में भोग लगा करके प्रसाद का वितरण करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये था 12 राशियों का उनकी राशि अनुसार वार्षिक राशिफल और साथ ही साथ वो उपाय जो प्रत्येक राशि के जातकों को अपने साल की शुभता को बढ़ाने के लिए, समृद्धि प्राप्त करने के लिए करने चाहिए। अब हम आपको लेकर चलते हैं आगे और आचार्य जी से हम जानेंगे कि इस पूरे साल के लिए क्या है महा उपाय, जहां आचार्य जी आपको बताएंगे कुछ ऐसे सरल उपाय जिनको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, फिर चाहे वो किसी भी राशि का जातक हो या फिर किसी भी किस्म के व्यवसाय में हो, वो इन महा उपाय में बताए गए तमाम उपायों को अपना सकते हैं। आचार्य जी, जी बिल्कुल। अब जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं वो बहुत ही सरल और बहुत ही आसान से उपाय हैं और इन उपायों को कोई भी व्यक्ति, किसी भी राशि का व्यक्ति कर सकता है, किसी भी पेशे से, किसी भी काम से जुड़ा हुआ व्यक्ति कर सकता है, जिससे आपका अपना जॉब, अपना करियर जो है वो और अच्छा हो सके, आप उसका बहुत ज्यादा लाभ ले सके। सबसे पहला उपाय जो है वो आपके घर की और आपकी अपनी व्यक्तिगत समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। घर में समृद्धि लाने हेतु घर के उत्तर पश्चिम के कोण में यानी वायव्य कोण, नॉर्थ और वेस्ट का जो कॉर्नर होता है, इसमें सुंदर से मिट्टी के बर्तन में कुछ सोने और चांदी के सिक्के या कुछ चमकीले पेपर के गोल्डन टुकड़े अगर आप डाल दें, गोल्डन और सिल्वर जो कवर पेपर होते हैं, पैकिंग पेपर होते हैं, अगर आप इनके टुकड़े डाल करके रखते हैं तो ये उसमें शुभता में वृद्धि करते हैं। ये सोने और चांदी के आभूषण की तरह लगते हैं या सोने और चांदी के धन की तरह लगते हैं और ये आपके धन में वृद्धि करते हैं। फिर बर्तन को गेहूं या चावल से भर दीजिए। ऐसा करने से घर में धन और अन्न दोनों का अभाव कभी नहीं रह जाता। यदि किसी व्यक्ति को कारोबार में हानि बहुत ज्यादा हो रही है तो उस हानि को रोकने के लिए भी उपाय बताता हूं।
यदि कारोबार में हानि बहुत ज्यादा हो रही है अथवा ग्राहकों का आना कम हो गया है आपके व्यापार में, तो समझें कि किसी ने आपके कारोबार को, व्यापार को बांध दिया है या नजर लग गई है। इस बाधा से मुक्ति के लिए दुकान या कारखाने के पूजन स्थल में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को अमृत या अमृत सिद्धि योग में या सिद्ध योग में एक श्री धनदा यंत्र स्थापित करना चाहिए। वो आप किसी आचार्य से स्थापित करवा सकते हैं। फिर नियमित रूप से केवल धूप दीप दिखा करके आप उनका दर्शन और पूजन करते रहें, कारोबार में लाभ मिलने लगेगा, जो भी नुकसान की स्थिति थी उससे आप बच जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं ऋण मुक्ति के बहुत सरल से उपाय, यानी 2014 में आपके ऊपर कोई कर्ज ना रह जाए। पिछले साल का जो भी आपके ऊपर कर्ज था, डेप्ट था, जो भी आपने उधार लिया हुआ था, वो कैसे चुका सकते हैं उसके सरल उपाय समझ लीजिए। मंगलवार को शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर मसूर की दाल आपको अर्पित करनी है, और ये जो दाल अर्पित करनी है, अर्पित करते समय कौन सा मंत्र बोलना है ये भी जान लीजिए। ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः, मंत्र एक बार पुनः सुन लें, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए, मंत्र बोलते हुए आपको ये दाल चढ़ानी है शिवलिंग के ऊपर। अब दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूं, आपकी नौकरी में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और आप चाहते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम जो है 2014 में दूर हो जाए, या आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी बहुत सरल सा उपाय समझिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के एक ध्वजा का दान करना है, ध्वजा यानी झंडे का दान करना है, और दान के बाद 1.25 किलो यानी 1.25 kg लाल चने और 1.25 पाव यानी 310 ग्राम गुड़ का भोग आप हनुमान जी को अर्पित करें, और ये भोग अर्पित करने के बाद वहां जो भी भिखारी हैं, जो बच्चे हैं, उनके बीच में आप ये सारा भोग बांट दीजिए। थोड़ा सा आप अपने परिवार के लिए भी लेते आइए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इससे, और ये प्रसाद आपको अपने परिवार के साथ ग्रहण करना है। और उसके साथ साथ 8 पाठ हनुमान चालीसा, 8 पाठ बजरंग बाण का यदि करते हैं, 1.25 किलो जौ, 1.25 किलो काले तिल अगर आप किसी पूजा के स्थान में, जहां पर खासतौर पर यज्ञ होता हो, वहां आप छोड़ करके आते हैं, और ये उपाय 8 मंगलवार करते हैं, तो आपके कार्य से जुड़ी हुई हर प्रकार की बाधा, चाहे वो नौकरी की बाधा हो, प्रमोशन की बाधा हो, ट्रांसफर की प्रॉब्लम हो, या आपका बिजनेस में बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, हर प्रकार की बाधा को आप दूर कर सकते हैं। तो बिल्कुल आज के हमारे इस विशेष पेशकश में हमने आचार्य जी से जाना कि किस तरह हम पूरे साल पर्यंत अपना इन छोटे छोटे उपायों के जरिए अपना साल जो है बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा वार्षिक राशिफल भी हमने जाना, और अंत में जो आपको कुछ उपाय बताए गए हैं महा उपाय में, उनको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें किसी भी राशि का या फिर कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी बंधन नहीं, कोई भी इस उपाय को अपना सकता है। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतने फायदेमंद उपाय आपने बताए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हार्दिक शुभकामना। और फिलहाल मुझे दें इजाजत, खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।